हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज किसी को हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा बिहार आईटीआई का जो एग्जाम है वो 11 जून 2023 को होना है और इसी के रिगार्डिंग हम डेली क्लासेस देख रहे हैं। हालांकि 2-4 दिन बीच में गैप था, जो कि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे इमरजेंसी काम आ गए थे जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज यानी कि 8 मई 2023 से आपको डेली क्लासेस होते रहेंगे और मई के लास्ट दिनों तक आपका जो सिलेबस है पूरी कम्प्लीट मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम फिजिक्स के यहाँ पे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला है या फिर हो भी चुका है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, एक एथलीट बढ़त प्राप्त करने के लिए ऊंची कूद से पूर्व क्यों दौड़ता है, ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी आपको लग सकता है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, जड़त्व गति प्राप्त करने के लिए, घर्षण बल प्राप्ति के लिए, या फिर बल आवेग प्राप्ति के लिए, या फिर गति की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे घर्षण बल और बल यहाँ पे छाड़ देंगे और गति और जड़त्व में कन्फ्यूजन में होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गति वाला भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन जो कि दिया गया है, जड़त्व गति प्राप्त के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका लॉजिक समझिए। आपने फर्स्ट लॉ जरूर पढ़ा होगा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उससे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा, ये जो नियम है जड़त्व गति प्राप्त के लिए होता है। हालांकि वो नियम इसी से रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा जड़त्व गति प्राप्त करने के लिए। कोई भी आप देखे होंगे जैसे कि अगर बिहार पुलिस की कोई तैयारी कर रहा है तो जब हम लोग कूदी मारते हैं उसी पर हम दौड़ते हैं। दौड़ते हम लोग इसलिए ताकि हमारा जो शरीर का जड़त्व है गति है वो अच्छी से बन पाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन जो कि दिया गया है, जड़त्व गति प्राप्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि मेंशन किया गया है, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है कि, ये भी क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है जो कि आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, अपकेंद्री बल विराम जड़त्व गति जड़त्व या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इसमें भी बहुत सारे कैंट यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जड़त्व तो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो जड़त्व, एक तो विराम जड़त्व है और एक है गति जड़त्व। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई बस रुकती है तो जो व्यक्ति होता है आँख की ओर झुक जाता है, एक कौन से नियम पर आधारित है तो जो आप सभी कैंट जानते हैं कि इसे हम लोग जड़त्व के कारण होता है जो कि फर्स्ट लॉ भी है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, विराम जड़त्व होगा या फिर गति जड़त्व होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गति जड़त्व जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप सभी कैंट को मालूम होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था, तो न्यूटन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था जो कि आप सभी कैंट मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है और आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है। ठीक, सबसे कमजोर बल के बारे में पूछा जाएगा, बात किया जाएगा, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल। साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ लिया जाता कि सबसे मजबूत बल का नाम बताइए तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता नाभिकीय बल। ठीक है, तो इन दोनों डिफरेंट को याद रखिएगा, कभी कभी कमजोर बल पूछ लिया जाता है, कभी आपको मजबूत बल पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे जो कमजोर बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है और सबसे मजबूत है नाभिकीय बल। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, जेट वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। तो आपने अगर हमारा पुराना क्लास देखा होगा, मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल डीलेट या फिर बहुत सारे अलग अलग, तो मैंने आपको गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में बहुत सारे डिफरेंट बताए हैं।
और आपको मालूम भी होना चाहिए कि आखिर क्या ऊर्जा होती क्या है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि जेट वायुवान में कौन सा ऊर्जा निहित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। ठीक है, इससे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ए ऑप्शन ना देखकर यांत्रिक ऊर्जा भी लिखा होता तो उसका राइट आंसर ये भी हो सकता है यांत्रिक ऊर्जा। क्यों हो सकता है? क्योंकि स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा मानते हैं या फिर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है गतिज और स्थित ऊर्जा दोनों। अब देखिए इसको सिंपल सा आपको अगर डिवाइड करना हो, समझना हो कि किसमें गतिज ऊर्जा होता है किसमें स्थित ऊर्जा होता है, तो जिसमें गति हो वेग हो वो गतिज ऊर्जा होता है, जिसमें स्थिति हो यानी कि स्थिर हो उसमें स्थित ऊर्जा होता है जनरली। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। साथ ही एक फॉर्मूला भी आता है गतिज ऊर्जा का और स्थित ऊर्जा का, जो कि 1/mv² होता है गतिज ऊर्जा बराबर और स्थित ऊर्जा जो कि mgh है। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलों को भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में बिहार ITI का जो भी प्रवेश परीक्षा होना है इसमें पूछे जाने की जो संभावना है न्यूमेरिकल बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जा सकती है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, पास्कल के नियम, बॉयल के नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर द्रव संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो किस नियम से धातु की शुद्धता निर्धारित की जा सकती है, तो वो नियम है आपको ऑप्टोमेटिज का सिद्धांत, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, साथ ही आपको यह भी याद होना चाहिए कि ऑप्टोमेटिज किस देश के निवासी थे, तो ये ग्रीस के निवासी थे, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेंशन किया गया तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, कौन सा जो बल हेल्प करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया उत्प्लावन बल, घर्षण बल, मांसपेशीय बल या फिर चुंबकीय बल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार देखकर ही इसका राइट आंसर आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्प्लावन बल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, और उत्प्लावन बल के बारे में आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा, किसी बुक के माध्यम से आपको ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में किस द्रव में श्यानता अधिकतम होती है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि आखिरकार श्यानता होता क्या है। तो देखिए, जो श्यानता होता है आपने दूध में, तेल में आपने देखा होगा कि अगर आपको, देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको ऐसे चूज करना है कि किसमें श्यानता अधिक है, तो सबसे पहले जो आपको गाढ़ा रहेगा, अपने आम भाषा में समझिए, अगर गाढ़ा रहेगा उसमें जो श्यानता होगा अधिक होगा। पानी में, जल में तो इसमें गाढ़ा होता नहीं है, पेट्रोल भी यहाँ पे कम होगा, दूध में होता है, लेकिन तेल में सबसे अधिक हो जाएगा। देखिए मैं इसका राइट आंसर क्यों बता रहा हूँ, तेल, क्योंकि जो जिसमें गाढ़ा अधिक होता है, जैसे कोई द्रव चीज़ है जैसे कि दूध, पानी, जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, जो आपको गाढ़ा रहेगा वो सबसे उसमें अधिक श्यानता हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सबसे कम श्यानता किसमें है आप ये हमें बताइए, इसका राइट आंसर जल हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे कि श्यानता होता क्या है और कैसे हम इसको पाट सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, तेल की बूंदे जल पर फैल जाती है क्यों। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह आपको सरफेस टेंशन के कारण होता है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम है इसी कारण यह होता है। यह बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यह भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है, ये भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -40। ठीक है, जो कि ये दोनों फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इस मान पर बराबर हो जाते हैं। अब देखिए, आपको सेल्सियस और फारेनहाइट के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप फिजिक्स पढ़िए, मैं आपको 2000 क्लास लूँगा 1, 2, 3 करके, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप घर पर जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको ये समझना जरूरी है कि सेल्सियस में फारेनहाइट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसमें उसमें होता है, ये बातें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से
निर्धारित करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, दूर से चमकते पिंड को निर्धारित करना हो या फिर उच्च तापमान को मापना हो, दोनों बात ही एक ही है, जो कि होता है पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जो कि है बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो सबसे अधिक तापमान मापने की बात की जाता है उसमें हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, ठोस से गैस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है ये भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि ठोस से गैस में, तो आपने देखा होगा इसका जो एग्जाम्पल है कपूर हो जाएगा। जैसे कि कपूर होता है ठोस होता है और गैसीय रूप में वो रूपांतरण हो जाता है, जिससे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संघनन किसे कहते हैं, हिमीकरण किसे कहते हैं, और इनके बारे में आपको जरूर डिटेल में पढ़ना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन और लेकर आने वाला हूँ। किसी भी बुक के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने आपको बुक वाले ही बताया था कि आपके पास लूसेंट होना चाहिए या फिर आपके पास क्राउन होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास ये दोनों बुक नहीं है तो आप इन सीआईटी सार संग्रह से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिर्फ 12 ही क्वेश्चन कराए हैं, जो कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन थे। और आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार आपने 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही घर पर पढ़ाई करते रहिए, डेली अब क्लासेस 7 बजे होती रहेगी। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।